यतो हस्तो स्ततो दृष्टि, यतो दृष्टि स्ततो मनः, यतो मनः स्ततो भावः, यतो भावः स्ततो रसः। नाट्यकृति, नाट्यकृति intends to collaborate the leading exponents of Indian classical dance. Today's program would unfold the various layers of Abhinaya. Indian classical dances are as diverse as Indian culture. It is hard to say when the rise of dance came, but the tradition of dance in India is coming from the era of the era. In India, different types of dance have been born and glorified the country. Today, we are quite fortunate to have with us the eminent gurus who had already attained their superiority and aesthetic artistic excellence. Today's concept, Natyakriti, has been curated by Rudrabho, will enrich the Indian culture and heritage by raising the Abhinaya. Abhinaya, the expressions that come out in the form of emotions. Now let's start weaving the evening by the demonstrations of the dancing stalwart Guru Pandit Rajendra Gangani, Guru Padma Shri Shashadhar Acharya and Guru Kalavandalam V.R. Kheng. Namaskar. एक बहुत अच्छी सोच और एक एपिसोड को आप ऑनलाइन कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नियोगी परिवार जो है सभी मिलके कथक जगत की और कथक की सेवा कर रहे हैं, तो हार्दिक इच्छा थी कि इस अभिनय को लेकर कोई बात की जाए, अभिनय के बारे में मैं कुछ बोलूं। तो मेरी दृष्टि में दो चीज बहुत मेन है, एक है भाव, एक है अभिनय। जब आप कोई बातचीत करते हैं या कोई नृत्य के अंग से किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं और बनता है, तो वो भाव होता है जो निरंतर हर प्राणी, मुझे लगता है कि उसका एक उसके दिमाग में, शरीर में, मन में जो भाव रहता है वो हमेशा एक रहता ही है। भाव हमेशा बने रहते हैं, भाव कभी भी स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हम अभी अच्छे मतलब मेरा मन अच्छा है तो मेरा भाव वैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे मैं विचलित हूँ या मुझे गुस्सा आ गया तो वो फिर भाव बदलेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी मैं सिर्फ आंख बंद करके किसी ध्यानस्थ अवस्था में हूँ तो वो भी एक भाव, बिना कुछ कहे ये सब चीज़ें है जो प्राणी प्राणी आपस में समझ जाते हैं। जैसे माँ और बच्चे में बिना शब्दों के भी बात होती है, वो बात जो है वो भाव है। अगर किसी बच्चे को माँ डांट रही है तो वो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसे कुछ गुस्से में ही बोलना होगा या माँ को जोर से चिल्लाना होगा। केवल देखने भर से, उनकी दृष्टि से बच्चा समझ जाएगा कि माँ को गुस्सा आ रहा है, या माँ देखेगी कि वो बच्चा इतना छोटा होता तो भी माँ समझ जाती है कि अभी इस बच्चे को भूख लगी, क्योंकि अभी बच्चे की उम्र नहीं है कि वो भाषा
या शब्दों से अपनी बात को कह सकते हैं। तो कैसे कहते हैं? उभाव से कहते हैं, ठीक है ना। भावों की ये स्थितियां हैं। अब अभिनय की बात करते हैं, तो फिर अभिनय के बारे में जैसा कहा, तो अभिनय वो चीज है जिसमें भाव से ऊपर उठते हुए रस की उत्पत्ति हो जाती है। वहां रस बन जा, रस होता है, मतलब वो आपके गहराई जो होती है ना, उस गहराइयों पे उतरता है वो रस। और जितना अच्छे आप अपने हाव भाव को बना सकते हैं और जितना देखने वाले को उसमें उतार सकते हैं, वहां दोनों स्वयं एक एक ही, जैसे एक लय बन जाती है वैसे एक अभिनय बन जाता है। जो नहीं कर रहा है वो भी सोचता है कि वो अभिनय कर रहा है, और जो कर रहा है वो अभिनय करा रहा है। क्योंकि वो करा इसलिए रहा है मेरी दृष्टि में कि मंच पे वाकई कुछ नहीं है, लेकिन अभिनय करने के उनकी जो क्षमता है वो इतनी प्रबल हो जाती है रस की उत्पत्ति की वजह से, वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आपको पर्सन नजर नहीं आ रहा, कृष्ण नजर आ रहे हैं। आपको पर्सन नजर नहीं आ रही, राधिका दिख रही है आपको, राम दिख रहे हैं आपको, सीता दिख रही है। तो ये जो हम लोग सब कथक नहीं, अभी तो मैं सारे डांस फॉर्म के बारे में कहूँ, तो सारे ही मिलके जो जब अभिनय कर रहे होते हैं तो वो एक सूत्र एक धागे में बांध लेते हैं उसको। और उनकी बहुत खूबसूरत चीज है, ये देन है कि अथा उसमें वो है, मतलब आप अथा का मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें क्षमता इतनी है कि एक लाइन, हमारे बुजुर्ग सब कहा करते थे कि एक गाने का एक लाइन मुखड़ा ले लेते थे, पूरी रात उस पर अभिनय करते थे। ये सबसे सुना, और सब बड़े बड़े गुणीजन गुरुजनों ने इन सब चीज के ऊपर बहुत उन सबको कुछ कुछ मुझे नसीब भी कहना चाहिए कि कुछ कुछ को देखने का अवसर भी मिला मुझे कि वह अभिनय करते हुए और इतना खो जाते थे। अभी भी जैसे महाराज जी अभिनय करते हैं तो कितना सुंदर लगता है। हमारे शमू महाराज जी, लक्ष्मी महाराज जी, हमारे जैसे हमारे गुरु मेरे पिता स्वर्गीय कुंदनलाल गंगानी जी, जब ऐसे आंचल पकड़ के यूं बात कर, आंचल की गत सिखा रहे थे तो यूं पकड़ के उन्होंने ऐसे खींचा तो हम देखते ये रह गए कि ये हाथ था या हाथ में कोई चीज थी। ऐसा ही गुरु जी बताते हैं नारायण प्रसाद दादाजी के लिए कि वो बड़ौदा में नृत्य कर रहे थे और नाव की गत की थी, मतलब उन्होंने कहा उस वक्त नाव की गत उन्होंने किया था। तो वो कह रहे हैं कि जब वो ऐसे नाव की गत में जब ऐसे उन्होंने उसकी चाल चली तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि हम सब ऑडियंस में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम सारे उस नाव में बैठे हैं, नाव हिचकोले खा रही है, वो चाल अब वो उनकी आंख में दिखाई दे रहा था। और उन्होंने फिर एक और अभिनय उन्होंने गुरुजी ने बताया कि उन्होंने किया करते थे कि एक तरफ तो उम्मीद है, ठीक है ना, एक तरफ उम्मीद है वो श्री कृष्ण, एक तरफ विरह है जो राधिका, कृष्ण तो जा रहे हैं उम्मीद क्योंकि उनको जाना है और राधिका जी विरह में कि वो जा रहे हैं। तो वो जो ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को ऐसा कहते थे कि एक आंख टूटी रहती थी जिसमें उनके वो चमक सी रहती थी जो कृष्ण का दिखाई देता था और एक आंख में आंसू आ जाता था, तो दोनों आंखों को कंट्रोल करके भी इस तरीके का अभिनय होता था किया। तो पता नहीं क्या साधना रही और कैसे किया वाकई। और मैं ये मानता हूं कि जब आप
उसकी संगीत की गहराई में और उसके मर्म में जब आप खो जाते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो शायद वो अभी अभी वो बाहर आता है नए, तो वो अभी नए बन जाता है। और अभी नए के भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टस हैं कि नृत्य का अभिनय और नाट्य अभिनय, इनमें भी अंतर है। नृत्य अभिनय में आप बिना बोले उस रास्ता को ऐसे चल जाते हैं जैसे पानी बहता जाता है, बिल्कुल चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, चलता रह, वो ऐसा बन जाता है। और नाट्य अभिनय जिसमें आप शब्दों को बाय डायलॉग कह सकते हैं, जैसा करके आप नाट्य अभिनय करते हैं। एक अभिनय और है, मैंने अपनी, ये मेरी सोच है, सिनेमा का अभिनय। आप उसको, उस अभिनय को कैटेगरी देते हैं हम एक्टिंग, जिसका नाम है इंग्लिश। और वो एक ऐसी चीज है जो सिनेमा में होता है, उसमें ऐसा अभिनय हो सकता है कि आप किसी एक की हुई किया हुआ अभिनय या एक्टिंग उसकी नकल कर सकते हैं, लेकिन नृत्य में नहीं कर सकते आप किसी की भी नकल। नृत्य में अभिनय वास्तविक अभिनय है जो किसी के जैसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा अंतर है इस अभिनय में। ऐसे ही बहुत प्रबल अभिनय करते हैं कथकली में, क्योंकि उसमें नाट्य की क्षमता, उसका ज्यादा अंश आता है कथकली में। और मैंने एक अभी कुछ समय पहले देखा था, मतलब मैं काफी बार देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सब कुछ देखना, सीखना, देखना भी एक सीखना है। और तो वहाँ संगीत नाटक अकेडमी में उनका कार्यक्रम था, वो उन लोगों ने किया कथकली से, जैसे आए बाली वध दिखाया था। और मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था जैसे वाकई बाली अभी नहीं रो रहा, हम सब उसके साथ छाप मिल रहे हैं, उस बाली के दुख के साथ, उसका तीर लगा हुआ जो वो उस वक्त वो कर रहे थे, क्या अभिनय कर रहे थे। तो केलू बाबू, वो जब भी अभिनय शुरू करते थे तो वो ऐसे दिखाते थे कि जैसे नायिका जो है वो छोटी बना रही, जबकि केलू बाबू को तो जब मंच पे मैंने देखा था तो उनके तो बाल थे ही नहीं, पर महसूस ऐसे करा देते थे जैसे वाकई नायिका है। अभी ये कितने सुंदर इनके बाल है, कैसे छोटी बन रही है, गहराई देखो कितनी है कि वो आपको महसूस नहीं होने दे रहे कि पुरुष हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके बाल ही नहीं है। तीसरी बात, आपको ऐसा लग रहा है जैसे वाकई छोटी बन रही है। तो अभिनय की जो ताकत है, पर एक चीज ये है कि अभिनय कुछ समय से मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय कम हो गया और दूसरी चीजों का थोड़ा सा उसके ऊपर असर पड़ने लगा है। तो वो दूसरा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उस अभिनय की बजाय उसमें पोजिस को स्टील कर करके रखने लगे, और या फिर ऐसा भी होने लगा कि अब अभिनय कम और आइटम ज़्यादा होने लगे हैं, कि वो बांध दिया जाता है उसको, चार बार आपको ये लाइन में चार बार एक, वो ऐसे लगता है जैसे एक्शन है, चार बार एक बार मोई चढ़ूना, ऐसे करना है एक बार मोई चढ़ूना, ऐसे करना है एक बार मोई चढ़ूना, ऐसे करना है वगैरह। तो ये चीज़ें जब होने लगती है तो वो अभिनय बल्कि वो छूता भी नहीं, वो हाँ लगता है कि एक ठुमरी पे कुछ अभिनय हो गया था, या एक जो भी बंदिश उठाते हैं उसके अनुसार वो अभिनय हो जाता है। मुझे लगता है अभिनय में बहुत गहरा, पहले आपको ज्ञान होना चाहिए किसका अभिनय करना चाह रहे हैं, पहले तो आपको एक खुद को पता होना चाहिए नायिका, नायिका का अभिनय में भी कौन सी नायिका, नायक तो कौन से नायक,
क्या राम और रावण का एक सा अभिनय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए कि अगर एक युद्ध युद्ध हो रहा है राम में और रावण में, लेकिन राम की स्थिति या राम के अभिनय में क्या खासियत है वो आप ध्यान रखें, वैसे रावण की क्या स्थिति है, रावण किस मन स्थिति से यहाँ युद्ध में है, यह आपको अगर ज्ञान है और वाकई आप दोनों का, क्योंकि एकाधि है इसमें, यह भी है कि आप अकेले ही दोनों कर रहे हैं, जब आप अकेले दोनों का अभिनय कर रहे हैं तो आप ये देखें कि राम को जब आप दिखा रहे हैं तो राम एक वीर है, तो वीर योद्धा है, ठीक है, रावण भी वीर है, रावण वीर भी है महाबली भी है, लेकिन उस वक्त यहां वीर वाला रस है और उधर रावण की तरफ जो है वो क्रोध वाला रस है, क्रोध। तो अब आपको इस चीजों के अंतर थोड़े से पता है तो आपका अभिनय वाकई दर्शकों तक भी और आप खुद महसूस करेंगे उस अभिनय को, अभिनय को जब तक महसूस ना करें तब तक वो अभिनय बनता नहीं है, वो केवल सतह पे रहता है, ऊपरी तौर पे जैसे कहते हैं सतह पे घूमता चला गया, लेकिन उसने अंदर से एक डुबकी लगा के ऊपर निकल के नहीं आया, वही एक अभिनय होता है। अब जैसे नायिका या कोई गोपी या छेड़छाड़ ऐसे वाली चीजें जब आप करते हैं तो आप ये देखिए ये कौन है, ये गोपी है जो कृष्ण के साथ है, ये राधिका है जो श्री कृष्ण जी के साथ है, या ये मीराबाई है जो ईश्वर के साथ है, ठीक है। आप ये तो मैंने अपनी थोड़ी सी बात कह दी, अब एक लाइन और मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन है कृष्ण जी से कह रही है, वो कहेगी छोड़ो, वो ऐसे कहेगी राधिका जी मेरी तरफ, मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आप कहेंगे छोड़ो लंगर मोरी भैया गोना, छोड़ो लंगर मोरी भैया कहो ना, क्योंकि राधा श्री कृष्ण के साथ है, थोड़ी ऐसे सोच सकते हैं कि वो सेम समय सेम है, लेकिन जब मीरा आएगी तो समय का भी परिवर्तन है, वो मीरा अपने ख्यालों में है, वो कृष्ण को अपने अपने शब्द ढूंढती रहती है, तो मीरा भाई एक भक्त भी है और एक प्रेमी ही है, भक्ति प्रेम है ना, प्रेम में भक्ति है, भक्ति में प्रेम है, तो मीराबाई जब कहेगी तो वो कहेगी छाड़ो लंगर मोरी पैया गहोना, वो उल्टा कह रही कि आओ एक बार तो आ जाओ प्रभु, छाड़ो लंगर मोरी पैया गहोना, वो मना नहीं कर रही है लेकिन वो मना रही है, मना करना मनाना। तो
क्योंकि जब नायक नायिका स्वयं उपस्थित हैं तो उस वक्त की व्यवस्था या उस वक्त वो समय अलग हो जाएगा, और अभी नायक नहीं है लेकिन नायक चाहिए वो अलग हो जाएगा। तो ये मेरी शुभकामनाओं के साथ ये अभिनय है, और इस अभिनय के बारे में मेरी ये सोच है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिनय सिखाई नहीं जाती है, अभिनय सीखी जाती है। जैसे गुरुओं की आराधना करते हुए, क्योंकि जब हम गुरु से शिक्षा लेते हैं तो उसी समय से ही अभिनय के पक्ष को गुरु ने सिखाना शुरू करते हैं। कैसे कि पहले हम गुरु की चरण वंदन करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, भक्ति भाव आ जाती है। ठीक उचित है ना, नाट्य शास्त्र में भी अंगिकम भुवनम जस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादि त्वं नमं सात्विकं शिवम त्वं नमं सात्विकं शिवम त्वं नमं सात्विकं शिवम। हम अपने शिक्षा के दौरान जो कुछ भी सीखे, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कोशिश करता है कि आप किस तरह से अपने मन को या शरीर को तैयार करते हैं, क्योंकि मन और शरीर दोनों जब जुड़ता है तभी सही अभिनय निकलता है। अगर आपको समझ नहीं है और बॉडी चलता है तो इमिटेशन हो जाएगा। अगर आपको समझ है और उसके साथ बॉडी चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हंसना रोना दुख प्रकट करना हंसत मल ये सब बताई ही जाती है। सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से, अपने चरित्र के हिसाब से धीरे धीरे वो आता रहता है। बस आपको अंदर तक लेना है और फील करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिनय सिखाई नहीं जाती है, अभिनय सीखी जाती है। चलिए, मैं अपने स्टाइल के ऊपर बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभिनय सभी नृत्यों में है, सब नृत्यों में है, और अपने नृत्य का खासियत क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये नृत्य की सृष्टि कैसे हुई। छव नृत्य राजा के कंटोनमेंट से वॉरियर लोग करते थे, और वॉरियर लोगों से ये धीरे 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 डेवलपमेंट होते हुए ये नृत्य परिवर्तित हो गया। यानी कि भारतीय युद्ध कला का असर इसके ऊपर है। इसमें मुखौटे की प्रयोग होती है, क्योंकि मुखौटा छव का प्रधान चीज है। छव बिना मुखौटों का होता नहीं है। बाद में आप तीनों छव को देखिए, सरायकला देखिए, मयूरभंज देखिए, पुरुलिया देखिए, तीनों छव में मास्क था। कहीं ना कहीं 19 सेंचुरी में एक मयूरभंज छव में मास्क हट गया, और बाकी दोनों स्टाइल में मास्क अभी भी है। अब हम आते हैं कि छव की मेन चीज क्या है जिसमें से हम अभिनय दर्शाते हैं। तो छव बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय है। इसके शरीर में ही सब कुछ है, ऐसे बात नहीं है। नृत्य में जो कुछ जरूरत है, जैसे मुखाभिनय है या ग्रीवाभेद है या शोल्डर का है, चेस्ट का है, पैरों का है, हस्त मुद्रा है, सब चीज है, लेकिन इसका प्राधान्य जो चीज है वो है आंगिक अभिनय, टोटली आंगिक अभिनय। यूं तो शास्त्र में हम जब जाते हैं तो उस शास्त्र में जब जाते हैं तो वो चीजें एक अलग है। कि मुझे नहीं लगता है कि जब हम शास्त्र को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दादा परदादा ये लोग कभी शास्त्र को पढ़े होंगे, या मेरा पिताजी तक, क्योंकि हम
थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और शास्त्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हम शास्त्र को आप हम शास्त्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो बताया गया जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि हम मुखोटे के प्रयोग करते हैं और मुखोटे के प्रयोग से मुखोटा एक स्थायी भाव में रहता है। ऐसे आप देखिए जब कार्यक्रम करते हैं बिना मुखोटे का भी मास्क हटाकर भी खुले जगह में तो आपका पहला जो एंट्री है या पहला जो कुछ क्षण है वो एक स्थायी भाव का होता है। धीरे धीरे संचारी आता है फिर व्यभिचारी में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से भावों की परिवर्तन होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुखोटे प्रयोग करने के बाद जब हम मास्क को पहनते हैं तो वो एक स्थायी भाव होता है और उस स्थायी भाव को जब हम थ्रू नेक मूवमेंट आगे बढ़ाते हैं गला के भेद में क्रिया भेद में तो वो मास्क आपको कुछ ना कुछ कहती है। अलग अलग चीजों पर अलग अलग स्टोरी लाइन पर अलग अलग करेक्टर पर जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक डांस फॉर्म है आप नौरस ले लीजिए आप मैं आपको अभिनय कैसे बड़ी से निकलता है वो मैं बताना चाहता हूं। मैं रसों के हिसाब से नहीं बता रहा हूं मैं किस तरह से बॉडी को इन्वॉल्व कर रसों की उत्पत्ति होती है और मुखाभिनय नहीं करते हुए भी मुखा पहने हुए हम आप तक पहुंचते हैं या हमारा पर्पस वर्क होता है। कचोर देवज्ञानी एक हमारा डांस है जिसपे शुरुआत में श्रृंगार है कच्छ और देवजानी अपने प्रेम उसका दिखता है। बाद में जब कच्छ चले जाने की बात करता है और देवजानी उसे मना करती है और बाद में रोती है एक ही मास्क है। केवल जब हम डांस करते हैं तो हमारा चेहरा यहां रहता है जब हम थोड़ी सी जब रोती है तो ये हाथ यहां लगा के बस। आंगिक से कितनी फर्क पड़ता है मुझे लगता है कि पुराने समय में जब छाऊ पे करते थे जब अखाड़ा सिस्टम था तब एक ही तरह का रस था वीर रस क्योंकि उस वक्त जो डांस करते थे हम उस वक्त ढाल और तलवार के साथ धनुष के साथ बाले के साथ डंडों के साथ टुइला के साथ वो एक अलग चीज था केवल वीर रस का था नहीं तो कैरेक्टर था। और अब जो नृत्य आया है बदलकर वो नृत्य भाव प्रधान आ गया क्योंकि स्टोरी है स्टोरी टेलिंग पर बात करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं कि नाविक एक आइटम है जिस नाविक ने उसमें दिया है कि इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता हमेशा होती है। स्त्री हमेशा आगाज करती है पुरुष को कि किस तरह से अपनी जिंदगी में झड़झंझा आएगी उसे हम पार करेंगे। ये चीजों को एक बॉटमैन और एक वाइफ के हिसाब से दिया गया है। उसके मन में शंका है अरे इतना बड़ा बादल आ रहा है मेरी जिंदगी में क्योंकि मैं नाव पे सवार हूं जीवन रूपी नौका पे सवार हूं और लाइफ पे इतना झंझा आने वाला है। तो किस तरह उसने अपने आप को यह आश्चर्य आ रहा है मन में भय है डर है कि अरे ये बादल आ जाएगा हवा आएगा तो मेरा नौका जीवन गिर जाएगा और मैं इसे अंत तक क्या होता है कि वो जीवन रूपी नौका को पार करता है और खुशी मनाते हैं। तो किस तरह से एक्सप्रेशन की जाती है एक ही मास मुखोटा वही है उसी पे हंसी है उसी पे डर है उसी पे सोच है उसी पे आश्चर्य है। काले बादल देखने का अरे बाप रे काले बादल आ गए क्या सोचते
ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इंसान की मूड के ऊपर कि एक कलाकार जब अपना कैरेक्टर को ऑन स्टेज पोर्ट्रेट करता है या ऑन स्टेज दिखाता है तो अपने ढंग से या गुरु जिस तरह से हमको सिखाता है और फिर उसको हम अपने अंदर लेते हैं और फिर अपनी सोच को मिलाकर किस तरह से होता है। ये मास्क मैं इसलिए आपका हाथ में पकड़ा हूं कि इसकी एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा लगेगा जैसे ये रोध रहे, बहुत जबरदस्त गुस्सा है, अपने आप में ये स्थित नहीं है, कुछ भी कर देगा क्योंकि रोध रहे एक ऐसा चीज है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से इस रोद्र से जैसे हम बात करते हैं कि वीर, एक वीर योद्धा, एक योद्धा का मास्क है, इस पे आप देखेंगे तो आंखें खुली हुई है लेकिन इसी को अगर हम यहां रखते हैं तो ऐसा लगे जैसे आंखें मेरे झुकी हुई है, अगर गर्दन में इसको उठा दिया ऐसा तो आपको ऐसा लगे जैसे ऊपर उठ गया। तो उसी तरह से अलग 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 भावों को प्रदर्शित करने के लिए, अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करने के लिए शरीर बहुत काम करता है। अगर योद्धा का काम करते हैं और ये मूवमेंट में रहते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे बड़ी बड़ी आंखें हैं और योद्धा है। अगर रोध का बात करेंगे तो आंखें खुली हुई रहेगी। ठीक उसी तरह से जितनी भी जो भी सिचुएशन है, अगर मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को देखते हुए या किसी चीज को ऐसा मेरे परिस्थिति आता है जहां मुझे लगता है कि नहीं ये घृणा मुझे लगता है तो ऑटोमेटिक घृणा का एक आ जाएगा और समझ जाएगा जिसे। और एक सोच, अगर इंसान सोच रहा है तो आंखें ब्लैंक, ललाट संकुचित होगा। मेरा बोलना है कि किस जिस तरह से आप फील करते हैं उसकी हमारा एक आइटम से उसको कहते हैं बाण विद्या, यानी कि एक प्रेमिका को उसका एक प्रेमिक धोखा दे दिया है, उसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दर्शाने के लिए हम इस मास्क की यूटिलाइज करते हैं। आप देखिए इस ये पीड़ा ऐसा लगेगा जैसे इसको कष्ट है, इसकी चिक्स जिस तरह से मुखाभिनय में नेत्राभिनय चिक्स का लिप्स का नोज का काम आता है ठीक उसी तरह से ये मास्क भी उसी ढंग से बनाई जाती है। और शारीरिक अंग भंगिमा के जरूरत से जरिए से प्रभाव से ये मास्क आपको मुखाभिनय तरह ही एक्सप्रेशन करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मास्क पहने और उसी करेक्टर में रह जाते हैं या उसी चीज में हम देखते हैं। मास्क पहनने के बाद भी हम एक्सप्रेशन वैसे ही हमारे चेहरे में होता है, जो एक्सप्रेशन या जो सिचुएशन के हिसाब से या जो स्टोरी लाइन के हिसाब से या जो करेक्टर के हिसाब से जो करेक्टर हम प्रेजेंट करते हैं उसी तरह से होता है। बस इसमें एक ही प्रभेद है कि मेकअप करने के बाद आप इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंसान कृष्ण बना है, ये इंसान विष्णु बना है, ये राधा है, ये चंद्रमा है, ये रात्रि है, लेकिन मैं अगर मास्क पहनता हूं तो आप मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं रात्रि कर रहा हूं। आप बोलेंगे ये रात्रि है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये कृष्ण है, ये राधा है। यानी कि छाऊ की जो अभिनय है एक अलौकिक अभिनय है जिसमें बताया गया है कि अपनी करेक्टर को खोकर, खुद की करेक्टर को खोकर हम उस करेक्टर में चले जाते हैं उस जो हम ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा चीज है कि श्रृंगार हास्य भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस ढंग से, क्योंकि हास्य भी अलग अलग तरह के होते हैं आपको पता है, हंसना भी अलग अलग तरह के होते हैं, अब आप रोना भी अलग अलग तरह के होते हैं, सब एक एक अलग अलग ढंग से हम इन चीजों को करते हैं। तो मुझे कहीं शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है या जरूरत नहीं थी जब हमारे गुरुओं ने सिखा, हमें यह नहीं बताया कि बेटा ये हास्य रस है, ये श्रृंगार रस है, ये विवर्ष रस है, ये वंडर है, ये घृणा करने का है,
नहीं, हमको सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर माजे मुझे किसी को नफरत करना है, मुझे किसी से प्यार जताना है, मुझे किसी से हंसना है, और हंसना भी किस तरह हंसना है। अगर मुझे हंसना ऐसा बात हुई इसमें खिल के हंसना है, इसको खिल के हंसना बोलते हैं, जैसे अट्टहास। शास्त्र में नाम है अनेक है, लेकिन मुझे लगता है कि छऊ में शास्त्र बात में बनती है, पहले प्रैक्टिकल होता है। और अभिनय इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, और जो जुड़ी हुई जिंदगी में है उसे आप एक्सप्रेस करने में तकलीफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले है कि आपको समझना है, चीजों को समझना है, स्टोरी को समझना है, कैरेक्टर को समझना है, फील करना है। जब फील करेंगे तो ऑटोमेटिक निकलेगा। अब मैं एक छोटे से उदाहरण देता हूं कि कभी भी आप देखिए कि किस ढंग से इंसान अभिव्यक्ति करता है अभिनय को। हर समय इंसान का मूड अलग अलग रहता है। हम सीखते जरूर हैं, अगर हम गुरु की हूबहू कर देंगे तो ऐसा लगता है कि गुरु का इमीडिएट हमने कर लिया। लेकिन जब कुछ दिन करते हैं और हमारा चलता है तो वो जितना बार आप उस चीज को करेंगे उतना शरीर में बैठेगा, उतने मन में बैठेगा, और जब शरीर और मन एकत्र हो जाएगा तो अभिनय सही ढंग से निकलेगा। अंततः मैं एक बात को बात रखता हूं, क्योंकि हमारे नृत्य में श्रृंगार रस के ऊपर बहुत सारे कोरियोग्राफी है, बहुत सारे डांस है श्रृंगार रस के ऊपर, अलग अलग श्रृंगार में, कोई संभोग श्रृंगार है, कोई विप्रलंब श्रृंगार है, अलग अलग है, और सिचुएशन भी अलग अलग है। हर और पार्वती में जो कालिदास का लिखा हुआ कुमार संभव है, यानी कि कार्तिकेय के जन्म से पहले, उसमें शिव और पार्वती, शिव का मास इस तरह से होता है, आंखें झुकी हुई है ना, और पार्वती की भी झुकी हुई होती है। तो श्रृंगार ये संभोग श्रृंगार है कार्तिक सर पैदा होने से पहले। अब तो ये संभोग श्रृंगार हम बाद में कैसे पता चला हमें कि शास्त्र के साथ जब तुलनात्मक अध्ययन हमने किया तब, लेकिन पहले हमें जो बताया जाता था कि आप आदमी देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष जब मिलते हैं और संभोग करते हैं तो उनकी आंखों की स्टाइल क्या होती है, आप लग लीजिए, आप उसको फील कीजिए, खुद ऑटोमेटिक मिलेगा। एक है कि एक कोरियोग्राफी है हमारा आपका फूल बसंत, और फूल बसंत जो है उन्होंने क्या किया, फूल बसंत नाम रखा और फूल को बनाया फीमेल और बसंत ऋतु को बनाया मेल श्रृंगार, क्योंकि आपको पता है बसंत ऋतुराज है और फूलों की आगमन से, फूल अगर फूटता है तो लगता है कि बसंत ऋतु आ रही है। तो बहुत बड़ा माला लेके, फूल की माला लेके, और बसंत ऋतु और फूल दोनों को एक दूसरे को खींचते हुए और एंट्री कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नृत्य और जिस ढंग से इसका संबंध है अभिनय का, उसका संबंध है, उसका संबंध है इसका, तो उसका एक अलग सारा मैं आपको दिख रहा हूं कि किस ढंग से है। जैसे भ्रमर फूल के पास बैठा मूवमेंट,
भ्रमर फूल में बैठता है, एक दूसरे लपेटते हुए आते हैं फूलों को, यानी कि फूल भ्रमर को आकर्षित करता है। बसंत ऋतु को भी उसी ढंग से एक पुरुष और एक स्त्री बनाकर हमने, हमारे कोरियोग्राफर ने, हमारे गुरु ने प्रेजेंट किया। तब ये थोड़ी सोचा था कि ये कौन सी श्रृंगार है, कैसी श्रृंगार है, नहीं, उन्होंने कहा कि देखो बेटा ये फूल है, ये बसंत है, एक पुरुष एक स्त्री है, इन दोनों की प्रेम भाव को हम फूल और बसंत के रूप में जाना जाते हैं। यूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी कहानी है और ये कम ड्यूरेशन में बताना बहुत मुश्किल होता है कि चीज के ऊपर हम काफी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सबको पहले मैं तो कहूं कि अभिनय सीखी जाती है, सिखाई नहीं जाती है, और गुरु अभिनय अपने डांस के साथ साथ सिखाते जाता है, जहां अभिनय को सुनाता है उसे आपको फील करना, जब तक आप अपने ढंग से फील नहीं करेंगे तब तक सही अभिनय आपको दर्शाना बहुत मुश्किल है। छव बेस्ड ऑन अंगिका अभिनय, मुखोटे के द्वारा एक थाई भाग होता है, नेक मूवमेंट और अंग भंगिमा के जरिए से हम अपने मकसद को या हम अपने अभिनय को पब्लिक को दर्शाते हैं। पुराने समय में वीर रस का सारे कोरियोग्राफी था एक ही सेंटीमेंट में चल रहा था, बाद में 19 सेंचुरी में अलग अलग जरिए से अलग अलग सेंटीमेंट्स, अलग अलग स्टोरी लाइन, अलग अलग कैरेक्टर से अभिनय को दर्शाया गया। धन्यवाद। नमस्कार, आम्ही कलामधलं वी आर व्यंगीत, कथकली डान्सर कम इन्स्ट्रक्टर। आज की आमदार सब्जेक्ट हे अभिनय। अभिनय बोलते गेले आमदार सबाई मध्ये किंतु अभिनय रहीछे, आमदार दैनिक जीवन मध्ये आमरा डेली अभिनय निये आमरा चलछि, किंतु কিন্তু নাচের ক্ষেত্রে যদি হয় তখন আমাদের একটু এক্সট্রা মন দিয়ে একটু করতে হবে, যে মুদ্রার সঙ্গে হোক বা গানের সঙ্গে হোক, কোনো ক্যারেক্টার ওয়াইজ হোক, তখন আমরা আলাদাভাবে ওটাকে বুঝাই। তাই জন্যে নাচের ক্ষেত্রের জন্যে আমাদের অভিনয় দর্পণ বা নাট্যশাস্ত্র মধ্যে একটা শ্লোক আছে, यदो हस्तस्तदो दृष्टि, यदो दृष्टिस्तदो मनः, यदो मनस्तदो भाव, यदो भावस्तदो रसः। যেদিকে আমাদের হাত যা যায় সেদিকে আমাদের চোখটাকে নিয়ে যেতে হয়, যেদিকে চোখ তাকে তাকে যেদিকে আমাদের মনটাকে নিয়ে যেতে হয়, যেদিকে মন ওদিকে আমাদের ভাবটা জিততে হয়। এদো ভাব স্তদো রেসরা, সেই যদি ভাব যদি চলে যায় আপনি রসটা চলে আসে আমাদের ফেস দিয়ে, চোখ দিয়ে, আমাদের পুরো ফেসের অঙ্গটা দিয়ে এটা চলে আসে, ফিলিংসটা, ওই ফিলিংসটা প্রকাশ করছে, এটা হচ্ছে ভাব। আমাদের যদি পেটে যদি খিদে পেয়ে যায় তখন আমাদের মনটা ইস আমাদের খুব খিদে পেয়েছে, সেরকমটা আমাদের বাবা সে যদি পেটটা ভরা থাকে সবার খিদে পেয়েছে এটা বললে তো হবে না। যদি কান্না যদি এসে যায়, আমি যদি কাঁদতে চাই আমার মন থেকে ভাবতে হয় আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমার একটা দুঃখ আমার হয়েছে, সেই যদি আমি যদি হাসতে খাইতে এটা বলে তো ওটাকে মানে কারণ বলে না। আমাদের নটা রস আছে মেইনলি নাচের মধ্যে, প্রত্যেকটা নাচের মধ্যে আমরা কিন্তু রসটাকে আমরা ব্যবহার করি। শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বিভৎস অদ্ভুত শান্তশ্চ নবো রসস্মৃতঃ, এরকমভাবে নটা রস। সেইখানে
আমি কথাগুলির জন্য আমি বলব, আমরা প্রত্যেকটা রস আমরা একটু এলাবরেটলি আমরা করি, বিকজ সেটা হচ্ছে কথাগুলির অঙ্গ সজ্জাটা। আমাদের পুরো আহারে আমরা এটা কিন্তু অনেক বেশি, অন্য রাজ্য থেকে বেশি আছে বলে আমাদের একটু এক্সারসাইজ আমাদের অভিনয়গুলো আমাদের করতে হবে। সেখানে আমাদের আমি এক একটা করে দেখাই শৃঙ্গার ভালোবাসা, সুন্দর সৌন্দর্য জিনিসটা। শৃঙ্গার হাস্য, হাস্য রস, করুণম, দুঃখজনক, রৌদ্রম, বীরম, ভয়ানকম, বীভৎস, দুর্গন্ধ বা বাজি জিনিসটা দেখছে, বিভৎস, অদ্ভুত বা সারপ্রাইজ, অনেকদিন বাদে কোনো বন্ধুকে দেখছে বা অতিশয় জিনিসগুলো দেখছে, কে ভালো, শান্তম, সব শেষ হয়ে গেছে, একদম শান্তিতে বসে আছে, শান্তম। এরম ভাবে আমাদের নটা রস আমরা প্রকাশ করি। সেটার আমাদের মেইন হচ্ছে কিন্তু চোখ, চোখ দিয়ে কিন্তু আমাদের অভিনয়টাকে আমরা বার করতে হয়। সেটার জন্য আমরা আমাদের কথাগুলি শিখতাম তখন আমাদের চোখের কিন্তু খুব এক্সারসাইজগুলো রয়েছে। আমাদের সময়টা তো খুব কম, তার জন্য আমি পুরো জিনিসটাকে আমি বুঝাতে পারছি না বা দেখাতে পারছি না। কিছু মুদ্রার সঙ্গে কিরমভাবে আমরা অভিনয়টা করি আমি দেখাই। তুমি তুমি যদি বলি ইউ, একটু সফট ভাবে, একটু ভালো করে তুমি, সে যদি একটু যদি গম্ভীর ভাবে যদি হয় ইউ, সে যদি আমি রেগে যদি বলি ইউ, সে আশাটা এসো, এসো একটু ভালোভাবে যদি বলা হয় এসো, এসো অর্ডার, আয় এসে যাও, এসো, এরকম ভাবে আমাদের ভাবটা চেঞ্জ হয়ে যায় ডিপেন্ড অন দ্য ক্যারেক্টার। আমি একুল বাড়িতে বসে আছি, তুমি কি করছো? আমি বাড়িতে নাচ করছি। এরকম ভাবে আমাদের মুদ্রা দিয়ে আমাদের কথা বলা হয় কথাগুলির মধ্যে। এটা কিন্তু অন্য নাচের মুদ্রা আমরা ব্যবহার করি সত্যি কথা, কিন্তু কথাগুলির মধ্যে আমাদের কিন্তু মুদ্রা প্রয়োগটা কিন্তু অনেক বেশি। আমরা কিন্তু কোনো মুখ খুলে বা সেরকমভাবে আমরা কথা বলি না, পুরো মুদ্রার মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো হয়। সেটা কোনো সময় আমাদের গান থাকে না, ওটাকে বলে এলাগিয়াটা, শুদ্ধ বাজনা থাকে, ওই বাজনার সঙ্গে আমাদের কোনো মুদ্রা দেখাতে হয়। তখন তো তাই জন্য বললাম অভিনয় মুদ্রা এবং স্টেপ দিয়ে আমাদের পুরো কাজটা হয়ে যায়। সেটা কিন্তু কথাগুলির একটা খুব ভালো। কিন্তু সেরকমভাবে আমরা অভিনয় সম্বন্ধে এখন বললাম, আর মুদ্রার সঙ্গে যে বললে হাতে মানে চোখের কথাটা, চোখ যদি মুদ্রার সঙ্গে না যায়
তাহলে কিন্তু মিনিং থাকে না। আর তুমি এখন কি খেয়েছো? আমি বাড়িতে ভাত খেয়েছি। হঠাৎ আমি যদি ক্লাস করতে বসে আছি, একটা স্টুডেন্ট একটু অনেক দেরি করে এলো, তখন আমি মুদ্রা জিজ্ঞেস করেছি, রেগে তুমি এত দেরিতে এসছি কেন? তখন ওই স্টুডেন্টটা ভয় পেয়ে, স্যার আমার বাড়িতে মার শরীরটা শুন খারাপ ছিল, সেটার জন্যে আমার একটু দেরি হয়েছে, ক্ষমা করবেন। ঠিক আছে, তাক চলে এসো। সো এরম ভাবে আমরা মুদ্রার সঙ্গে অভিনয় হোক যা করি। এবার আমি দুটো ক্যারেক্টার আমি দেখাবো, একটা আমি বসে দেখাচ্ছি, একটা অভিনেতা কর্ণকুন্তী সম্বাদ, মানে কর্ণ শব্দ বলে একটা গল্প আছে, সেখানে কর্ণের একটা পদম আছে, সেখানে ও নিজে ভাবছে, মানে আমি কি আমার আমি কে অ্যাকচুয়ালি, আমার মা বাবা কে, আমি কোথায় জন্ম হয়েছে, আমার হিস্ট্রি কি আছে, আমি কি হব, আমার মা বাবার সঙ্গে কি আমার কোনোদিন দেখা হবে, এরভাবে একটা চিন্তা পদম আছে, সেটা আমি একটু দেখাবো, একটা দুটো লাইন। আর একটা দেখাবো আমি একটু নেচে দেখাবো, মানে একটা ভীমের একটা পদম আছে, কল্যাণ সম্বন্ধীয় বলে এটা মহাভারতের মধ্যে একটা গল্প, সেখানে ও সৌগন্ধিক ফুলটা আনতে যাচ্ছে, তখন হনুমানটা রাস্তায় শুয়ে আছে, হনুমান মানে হচ্ছে ভীমের ভাই বড় দাদা, শুয়ে আছে রাস্তা বেঁধ, মানে রাস্তাকে ক্রস করে বসে আছে, শুয়ে আছে, তখন বলছে তুমি আমার রাস্তাটা ছেড়ে চলে যাও। ভীম বুঝতে পারছে না কে শুয়ে আছে, একটা বুড়ো বানর শুয়ে আছে। তাই জন্য সে দুটো কদমটা একটু একটু করে আমি দেখাবো। Yeah.